तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बेस्ट इन कार म्यूजिक सिस्टम अंडर ₹10,000। तो इस सीरीज के बाकी वीडियोस की तरह इसमें भी मैंने कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट किए थे। अब उन क्राइटेरियाज को मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कि ये पहला पार्ट है। इसका एक और पार्ट भी जल्द ही आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे थे और एक वीडियो में सारे प्रोडक्ट्स को बताना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है अंडर ₹10,000 होना, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं कि आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो अंडर 10,000 चाहिए, और यहाँ पे बजट जो है सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है अच्छे ब्रांड से होना, क्योंकि 10,000 के नीचे आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, कुछ लोकल ब्रांड्स मिल जाएंगे या आई वुड से लेसर नोन ब्रांड्स मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगा उनका एक स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स नेटवर्क है, आपको वारंटी मिलता है, और साथ ही साथ इंडिया के मोस्टली सभी शहरों में जो है इनके डीलर या सेल्स आउटलेट आपको मिल जाएंगे। अब जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है फीचर्स, क्योंकि 10,000 दे या 25,000 दे फीचर्स जो है आप डेफिनेटली ढूंढेंगे, आपके बजट के हिसाब से जो है बेस्ट फीचर्स यहां पे मिल जाए वो मैंने जरूर ध्यान रखा है। साथ ही साथ मैंने ये भी ध्यान रखा है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको साउंड आउटपुट बढ़िया मिले, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के लिए नहीं होता है, जरूरी होता है कि आपको सभी अच्छे इक्वलाइजेशन बैंड्स मिल जाए, साथ ही साथ आपको बढ़िया पावर आउटपुट भी मिले, ताकि आपका जो ओवरऑल इन कार एंटरटेनमेंट है वो बढ़िया मिले। कल को अगर आप स्पीकर्स वगैरह भी अपग्रेड करते हैं तो जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो टॉप नॉच मिलना चाहिए। सो द फर्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज द ब्लॉकपंक न्यूपोर्ट बीच 370। अब इसकी कीमत शुरू होती है ₹12,340 से। अब आप कहेंगे कि भाई इस वीडियो का टाइटल है अंडर 10,000, तो फिर यहाँ पे 12,000 का प्रोडक्ट क्यों? वेल, इसके बहुत ही दो सिंपल से रीजन है। पहला कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में काफी अच्छा है, और दूसरा अगर आप थोड़ा सा ढूंढेंगे ऑफर वगैरह मिल गया तो यही प्रोडक्ट आपको 10,000 में भी मिल सकता है, तो इसी वजह से आपको ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूपोर्ट बीच 370 की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है एक 7 इंच का कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले। ये 1240x600 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो कि नॉट द बेस्ट इन सेगमेंट है, लेकिन फिर इस कीमत में जो है आपको एक अच्छा खासा स्क्रीन मिल जाता है। डेडिकेटेड वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है, और साथ ही साथ आपको दो USB पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। और तो और अगर आपके कार में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है तो आप उसका भी लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं। ये आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ, साथ ही साथ 7 बैंड इक्वलाइजेशन सेटिंग्स भी आपको मिलते हैं। अब 7 बैंड थोड़ा सा आपको लिमिटेड लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉकपंक की ओवरऑल ऑडियो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी यूज़ होती है, तो अगर आप अच्छे स्पीकर्स के साथ इसको पेयर करते हैं तो आपको ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। इसी के साथ इसमें आपको फ़ोन लिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है। फ़ोन लिंक के साथ जो है आप अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस को बड़ी आराम से मिरर कर सकते। अगर हम मैक्स पावर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आपको 4x50W का मैक्स पावर आउटपुट मिलता है। अगर आप विदाउट एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार वाले कोई भी बजट में बढ़िया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो इसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है JVC KW M150 BT। इसकी भी कीमत एक्चुअल में तो 12,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप डील वगैरह के साथ जाते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट जो है 10,000 या उससे नीचे भी मिल सकता है, तो एक बार थोड़ा रिसर्च आप अपने एंड से भी ज़रूर करें। अब ये जो प्रोडक्ट है अगेन एक बहुत ही अच्छे ब्रांड से आता है। JVC के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है निपॉन ऑडियोट्रॉनिक्स करती है, जो कि अगेन मोस्ट ऑफ दी OEMs को इन्फोटेनमेंट यूनिट सप्लाई करती है। JVC अपने आप में भी एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो ओवरऑल आफ्टर सेल्स नेटवर्क है या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो इसमें आपको एक 6.8 इंच का कैपेसिटिव डिस्प्ले मिलता है, एंड ओवरऑल जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें भी आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है, आप इसमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन को इजीली मिरर कर सकते हैं। रेयर व्यू कैमरा, आईफोन कंपैटिबिलिटी, सभी चीज़ें जो है आपको इस प्रोडक्ट में मिल जाती है। जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा चाइल्डिश सा लगता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ प्रीमियम यूज़र इंटरफेस ढूंढ रहे थे तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बट ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट जो है ये वाकई में काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है।
अब आप में से बहुत लोग जो हैं स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूनिट्स ढूंढ रहे हैं, एंड्रॉयड यूनिट पे मैंने पहले भी काफ़ी बार बात कर रखा है, तो उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर चेक करें। इनके क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, उनमें जो है मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप में से बहुत कोई एंड्रॉयड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पर यह जो प्रोडक्ट है ये एक कम्प्लीट एंड्रॉयड यूनिट है जो कि तकरीबन 9999 के प्राइसिंग पे जो है आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये है वुडमैन नियो 5। अगेन ये आपको कंप्लीट फ्रेम एंड कपलर्स वाली सारी चीज़ों के साथ देखने को मिल जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द कार में जो है ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है। ये आता तो है एंड्रॉयड 8.1 के साथ, जो कि एक काफ़ी पुरानी जनरेशन की एंड्रॉयड अब हो चुकी है। और अगर हम इसके की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2GB रैम एंड 16GB रोम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर जो है ऑन बोर्ड है। अब ये कौन सी कंपनी के तरफ से आता है, मीडियाटेक है, स्नैपड्रैगन है या कौन सा है, ये कंपनी ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, तो इस पे जो है मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसमें आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, इनबिल्ट वाईफाई का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। ऑल इन ऑल अगर आपको एंड्रॉयड यूनिट चाहिए और अगर आप पुराने जनरेशन के एंड्रॉयड से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप इसको भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट वन ऑन आर लिस्ट इज द पाइनियर C19BT। यहाँ पे आपको एक स्मार्ट सिंक टेक्नोलॉजी मिलता है जो आता है पाइनियर के अपने ही एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पे आपको एक सिंगल डिन हेड यूनिट मिलता है और साथ ही साथ आपको मिलता है एक फोन माउंट जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन को माउंट कर सकते हैं, और माउंट करते ही आपका ये जो यूनिट है एक स्मार्ट यूनिट बन जाएगा। तो अगर आपके पास iOS या एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें आप मैप, नेविगेशन, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक जैसे सभी तमाम फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स को भी सपोर्ट करता है, तो ये एक काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी ईजी टू यूज़ आइडिया है, और मोस्ट ऑफ द कार्स में जो है ये फिट हो जाएगी, चाहे आपकी पुरानी कार हो चाहे आपकी नई कार हो। अगेन इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव और काफ़ी बढ़िया है, समवेयर अराउंड 6 to 7000 में जो है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो यस, ये कई लोगों के लिए जो है एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, स्पेशली उनके लिए जिनके कार में सिंगल डिन ऑडियो सिस्टम का ही फ्रेम है और वहाँ पे आपको स्मार्ट यूनिट चाहिए, तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट प्रोडक्ट पे, और ये है JVC KW930BT। ये एक टच स्क्रीन यूनिट तो नहीं है लेकिन एक डबल डिन यूनिट है जो कि काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें आपको ब्लूटूथ स्मार्ट कंपैटिबिलिटी और बाकी सभी तमाम चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स की, तो क्योंकि JVC के तरफ से आता है तो आपको ऑडियो आउटपुट काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छे स्पीकर्स के साथ कपल करते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स की, तो इसमें ईजी एक्सेस बटन्स हैं, कलर्ड इल्यूमिनेशन आपको मिल जाता है, स्पॉटिफाई प्लेबैक का डायरेक्ट कंट्रोल भी आपको मिलता है। इसी के साथ आपको 13 बैंड इक्वलाइजेशन सेटिंग्स भी मिलते हैं। एक खास बात जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है वो है JVC रिमोट ऐप। अब रिमोट ऐप आपको iOS एंड Android दोनों पे ही मिल जाता है, और इसके थ्रू जो है आप इस यूनिट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक काफ़ी सिंपल सा प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें आपको कुछ स्मार्ट कन्वीनियंस फीचर मिल जाते हैं जो आपके एवरीडे नॉर्मल कार के म्यूजिक सिस्टम से थोड़ा सा हटके है। तो दोस्तों 10,000 के नीचे ये थे कुछ ऑप्शन जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अपने कार के लिए। अब ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये बड़े ब्रांड से आते हैं और साथ ही साथ आपको अच्छे आफ्टर सेल्स नेटवर्क भी इनका देखने को मिल जाता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने खासा यहाँ पे ध्यान रखा है कि ये सभी कार में जो है फिट हो जाएंगे, तो आपके पास मारुति 800 हो, टाटा नेक्सॉन हो या कोई भी कार हो, आप जो है इनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन जो है एज सच बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे एज अ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जब भी आप ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाएं, हमेशा प्रोफेशनल से इंस्टॉल कराएं जिनको अच्छा खासा नॉलेज है, ताकि वो आपके कार के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे। ज़्यादा छेड़छाड़ करने से आपके कार की वारंटी जो है वो डिवॉइड हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़रूर बने रहिए इसके सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि उसमें हम कुछ और भी प्रोडक्ट्स और कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट जो कि काफ़ी बढ़िया है वो आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँ। तो यस, विद दैट दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।